आप जानते हो पिछले 2-3 साल से इंडिया पे स्ट्रीमिंग का बुखार चढ़ा हुआ है। लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कैरियर बना रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रीमिंग कैरियर का आपका कैरियर खड़ा करने में मदद कर सकता है एवर मीडिया की तरफ से आने वाला उनका लाइव स्ट्रीमर 311। ये उनका एक YouTube स्टार्टर पैक है और आज हम इसे अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है और आपकी कैसे मदद हो सकती है अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हो। खासकर ये उन लोगों के लिए जो लैपटॉप पे, उनके लिए तो खास जरूरी है। तो आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में। अगर आपको जेन्युइन विंडोज 10 ओएम की चाहिए तो आप yourcdgeek.com से खरीद सकते हैं। यहाँ से आप विंडोज की, स्टीम की और भी कई डील्स पा सकते हैं एट लो प्राइसेस। विंडोज 10 ओएम की खरीदने के लिए आप बाय नाउ बटन पे क्लिक करें, फिर प्रमोशन कोड बॉक्स में GA20 टाइप करें डिस्काउंट पाने के लिए। इसके बाद अपना पेमेंट मेथड चूज कर लें, आपको आपकी की ईमेल या फिर यूजर सेक्शन पर सेंड कर दी जाएगी। की को यूज करने के लिए विंडोज सर्च बॉक्स में जाकर एक्टिवेशन टाइप करें, एक्टिवेशन विंडोज ओपन हो जाएगी। उसमें चेंज प्रोडक्ट की पर क्लिक करें, अपनी की एंटर करें और आपकी विंडोज एक्टिवेट हो गई। yourcdgeek.com के बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। वैसे बॉक्स देख रहे हो आप, बहुत अच्छा है, साथ में देखें और क्या क्या है। ये है आपका, ये स्ट्रीमिंग में मदद करेगा, ये आपका कैम है, उसके बारे में सारी डिटेल्स दे रखी हैं। यहाँ पर और भी लैंग्वेजेस में कुछ लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पर माइक्रोफोन जो इसके अंदर निकलेगा उसके बारे में जानकारी है। आइए देखते हैं इन सब चीज़ें कैसी निकलती हैं, कैसी दिखती हैं। देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या निकलता है। माइक्रोफोन निकला है, साथ में निकला है आपका लाइव स्ट्रीमर कैम और इनका मिनी, साथ में और चीज़ें नहीं, ये तो ऐसी खाली डब्बा है। ये तीन चीज़ें आपकी निकलती हैं। आइए अब एक एक करके इन सब तीनों चीज़ों को जो है अनबॉक्स करते हैं। ये मैं सबसे पहले अनबॉक्स करने जा रहा हूँ GC311 लाइव गेमर, जो इनका मेन स्ट्रीमिंग कैप्चर के लिए डिवाइस है, वो अनबॉक्स करते हैं, देखें कैसा दिखता है। देखने में तो खूबसूरत लग रहा है। वैसे ये जो मिनी नाम रखा है ना उन्होंने, ये भी सही रखा है, क्योंकि इससे पहले भी कई और कैप्चर डिवाइसेस आए एवर मीडिया की तरफ से, एलगाटो वगैरह की तरफ से भी, वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये अब छोटा हो गया है और सही भी है। अगर आप लैपटॉप वाला सेटअप यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए छोटा पड़ेगा। ओके, एवर मीडिया लिखा हुआ है, बाकी पूरा बॉक्स ब्लैक है। ओके वाह, मैंने उम्मीद नहीं करी थी इतना छोटा होगा, सीरियसली ये सीरियसली छोटा है। मुझे लगा था कम से कम इतना बड़ा तो होगा ही होगा, ये सीरियसली बहुत छोटा है। इससे बड़े बड़े मैंने कैप्चर कार्ड देखे हैं। 2 HDMI के लिए पोर्ट्स हैं, 1 USB के लिए पोर्ट्स हैं। देखिए और क्या क्या निकलता है। ठीक है जी, कुछ केबल्स निकली हैं, कुछ यूजर मैनुअल वगैरह निकले हैं, कोई गाइड है वगैरह वगैरह। ओके, इसकी बाकी जगहों से भी पॉलिथीन उतारे ले रहा हूँ मैं। ओके, देखने में सही में बता रहा हूँ, मैंने इतना छोटा कैप्चर कार्ड कभी नहीं देखा, सीरियसली, और अच्छी खासी क्वालिटी का, प्लास्टिक का है लेकिन तब भी स्टर्डी लग रहा है। 2 HDMI, 1 HDMI आउट है, 1 HDMI इन है और एक आपको USB पोर्ट मिल जाता है। इसमें ज़रूर एक लाइट इंडिकेशन के लिए भी होगा, जब ऑन करेंगे इसे तब देखते हैं। अगली चीज़ है आपका लाइव कैमर कैम 313। ये आपका कैम है जो आपके लैपटॉप पे लग जाएगा। आइए देखें ये कैसा है और इसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे। मेरे ख्याल से 1080p अब रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो पुराने आते थे वो तो 720p पे करते थे, लेकिन अब 1080p तो मस्ट हो गया है कम से कम रिकॉर्डिंग के लिए। सही लग रहा है, देखने में सही लग रहा है, अंदर से देखते हैं कैसा लगता है। बॉक्स सही में बहुत अच्छी तरह से पैकिंग की गई है, कहां से खुलेगा ये। ओके ओके, यहां से खुलेगा। ओके, देखिए कैसा है, खुल जा सिम सिम, ये रहा अपना कैम। सही है यार, सही है, पूरा वो वायर वायर लगा हुआ है। और बॉक्स में क्या निकलता है, सिर्फ गाइड वगैरह है और कुछ नहीं, मेन चीज यही है। सही है यार, खूबसूरत है, आप इसे ट्विस्ट भी कर सकते हो। वैसे तो अभी और यूज करके देखेंगे,
वायर उसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है, अलग से आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है, नाइस। आइए अनबॉक्स करते हैं फाइनल चीज जो कि है माइक। बॉक्स इसका भी बड़ा खूबसूरत है। वैसे मैं पहले भी एक एवर मीडिया का माइक वो कर चुका हूँ अनबॉक्स, उसको टेस्ट भी कर चुका हूँ। अगर आपको देखना हो वो वीडियो तो मैं लिंक दे दूंगा, वो चेक कीजिएगा। खुल जा सिम सिम एवर मीडिया। अच्छा, ये बिना स्टैंड वगैरह के अभी तो आएगा, ये स्टैंड वगैरह हमें ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, इसमें स्टैंड वगैरह होगा और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। स्टैंड और बेस ये होगा, मेन माइक में ओपन कर लूं। आइए जो बेस और शाफ्ट है माइक के लिए, जो स्टैंड वगैरह है उसको भी निकाल लें। ठीक है जी, ये सारे पार्ट्स आपके यूज़ होंगे। केबल, यूएसबी केबल आपकी माइक के लिए, ये आपको अगर, और जो जो स्टैंड्स वगैरह आते हैं जो आप टेबल से कनेक्ट कर लेते हो, बूम स्टैंड्स, उसके लिए। और ये बेस और शाफ्ट, ठीक है, इसको भी मैं निकाल ही ले रहा हूँ, ढंग से दिखाई दे रहा हूँ कैसे होते हैं सारे पार्ट्स। वैसे तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं और ये एवर मीडिया के फोटोज़ में भी आप देख रहे हो, तो एक बूम स्टैंड आपको ले ही लेना चाहिए जो टेबल में लग जाता है और उस पर आप माइक कस लो, उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत होगी। वरना जो है आप अपने, अगर कुछ भी नहीं ले रहे हो तो आप अपने स्टैंड से ही यूज़ करो नॉर्मली। और ये तो आपकी केबल है, चलिए केबल भी दिखाई दे रहा हूँ आपको, वरना यूएसबी केबल तो नॉर्मल चल जाती है। तो ये है गाइस अपना कैप्चर कार्ड जिसका नाम है लाइव गेमर मिनी। इसमें क्या है, कैसे चलना है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे ये वाली एचडीएमआई है ये तो कंप्यूटर से आ रही है, और ये वाली एचडीएमआई है ये मॉनिटर में जा रही है, यानी कि डायरेक्ट वैसे तो आप कंप्यूटर से मॉनिटर कनेक्ट करते हो, लेकिन बीच में आपने इसको डाल दिया है जिससे कि जो फीड आ रही है एचडीएमआई की वो रिकॉर्ड कर सके। और ये यूएसबी केबल लगी हुई है, ये आपके कंप्यूटर में जुड़ी हुई है, तो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। अगर आपको स्ट्रीम करना है तो पहले आपके कंप्यूटर में जाएगा, फिर जहाँ पे भी आपको स्ट्रीम करना है वहाँ कर लो आप, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विच पे। अच्छा, इसके बारे में आपको और बात बताऊँ, जैसे एलईडी जो आप अभी ब्लू देख रहे हो ना, अभी तो ये ब्लू है, जैसे मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊँ ये लाल होने लगेगी, देख रहे हो आप, ये लाल जो हल्का हल्का ब्लिंक कर रही है इसका मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है। अब मैं बंद कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर ये तेज लाल ब्लिंक करने लगे इसका मतलब जो है जगह आपकी भर रही है, तो वो आपको बता देगी, खतरे का साइन आने लगेगा। साथ में अगर आप ब्लू धीमे धीमे जलती बुझती है तो इसका मतलब आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, यानी कि आपको एक विजुअली जो है यहाँ से भी हार्डवेयर से ही पता लगता रहेगा कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो। जैसे कई लोग होते हैं स्ट्रीमिंग करते करते भूल जाते हैं कि स्ट्रीमिंग अभी भी चल रही है, और कुछ अनसंट हरकतें हो जाती हैं उनसे, वो पूरी दुनिया के सामने होती है। खैर, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी अगर आपको पता लग जाए। दूसरा क्या है, ये यूएसबी 2.0 है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरा एक ही बात बताता हूँ आपको एग्जाम्पल दे के। आपके पास एक पुराना लैपटॉप है, कमजोर लैपटॉप है, तो आपके कैसे काम आएगा, आपका यूएसबी 2.0 वाला लैपटॉप ही होगा, हो सकता है उसमें यूएसबी 3.0 नहीं हो। वैसे 2012 के बाद वाले कई लैपटॉप में तो था, लेकिन शायद हो सकता है ना हो, या फिर आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, आपके पास एक ही पोर्ट बचा है वो यूएसबी 2.0 वाला है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। साथ में आपका लैपटॉप पुराना है, उससे आ रही है आपकी एचडीएमआई आउट निकल रहा होगा, वो आप इसमें दे दो, और आप जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ना खेल के टीवी पे, या फिर आपने मॉनिटर खरीद रखा आप उस पे खेलते हो। अगर आप स्ट्रीमिंग सेटअप बना रहे हो तो आपको एक मॉनिटर अलग से लेना पड़ेगा या टीवी लेना ही पड़ेगा। तो आप जो है वो लैपटॉप से निकली जो एचडीएमआई केबल वो इसमें लगाई, और फिर इससे निकाल के एचडीएमआई केबल आप मॉनिटर पे लगा दोगे बिल्कुल। अगर आपको ये लग रहा हो ना कि लैग होता होगा आईजी, डायरेक्ट लगा देते एचडीएमआई केबल तो शायद लैग नहीं दिखता, इससे शायद लैग हो, बिल्कुल लैग नहीं होता। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो आप ये जो फीड आ रही है ये 1080p 60fps की है, और आपके मॉनिटर पे भी 1080p 60fps की दिखेगी, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिकॉर्डिंग वगैरह में।
यानी कि इस कैप्चर कार्ड से आप चाहो तो लैपटॉप से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो पुराने, और या फिर आपके पास कॉन्सोल है आपको उससे स्ट्रीमिंग या फिर रिकॉर्डिंग करनी है तो वो कर सकते हो आप। आपके पास जो भी डिवाइस है अगर उससे HDMI आउट निकलता है तो आप उससे रिकॉर्ड कर सकते हो। आपका कैमरा है, कैमरे से HDMI आउट निकल रहा है, आप वो कैमरे की फीड रिकॉर्ड कर सकते हो डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में। आपका कोई मिनी कॉन्सोल प्लेयर है जैसे कि निंटेंडो वगैरह के आते हैं, उसमें से HDMI आउट निकल रहा है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। जिसमें से भी HDMI निकलेगा उसको ही रिकॉर्ड कर सकता है, और डायरेक्ट आप रिकॉर्ड तो कर ही सकते हो, साथ में वही जो फीड है वो आप टीवी या मॉनिटर पे भी भेज सकते हो। आइए बात करते हैं इस माइक की। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको शटर दे रखा है, प्राइवेसी शटर, आप चाहो तो इसे बंद कर लो। जैसे आजकल कई लोगों को भरोसा नहीं होता कि हैकर वैकर हमारे ले जाएंगे, हमारी पॉन बन जाएगी, तो इसलिए आप चाहो तो फिजिकली बंद कर सकते हो। भरोसे की दुनिया नहीं रह गई है। बाय द वे ये बंद ऐसे आता है, आप चाहो तो इसे ऐसे खोल सकते हो, तो जैसे जैसे मैंने टेबल पे ऐसे रख रखा आप ऐसे भी रख सकते हो। वैसे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लैपटॉप की स्क्रीन पे या फिर मॉनिटर पे आप कैसे रख सकते हो, वो भी अभी आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन साथ में आप ये एक और जानो, जैसे मैं आपको ये भी दिखा रहा था, इसमें भी USB 2.0 है और इसमें भी USB 2.0 है, तो आपको अपने पुराने हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में ये रबड़ दे रखी है इसमें, तो आप जहाँ पर भी इसे लगाओगे मॉनिटर के ऊपर या फिर लैपटॉप के ऊपर तो ये फिसलेगा नहीं। साथ में ये वेबकैम तो है, क्वालिटी की तो अभी आपको दिखाई दूंगा मैं के कैसा है, लेकिन इसमें आपको माइक भी दे रखा है, और दूसरा जब आप रिकॉर्ड करते हो तो एक ब्लू लाइट भी जलती है, वो भी मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। वैसे माइक तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करो आप, वेबकैम है, वेबकैम से तो कैमरा तक की ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी देगा। वैसे इसमें माइक है, अगर आप माइक नहीं लगाते हो और आपका जैसे ऑफिस वगैरह के भी काम होते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि हम स्ट्रीमिंग या गेमिंग ही करेंगे, आपको स्काइप पे किसी से बात करनी है तो उसमें भी ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं। अच्छा, दो बातें और हैं इसके अंदर। एक तो ये करता है 1080p की 30fps में रिकॉर्डिंग करता है, ये 60 वाला नहीं है, 1080p 30 या फिर 720p 30 कर लो आप रिकॉर्ड। दूसरा, इसमें फिक्स फोकस है। अगर आप चाहो ना, जैसे कई आजकल आते हैं कंटिन्यूअस ऑटो फोकस वाले कैमरे, मतलब आप आगे पीछे होते रहो तो भी वो आपको फेस को जो है वो फोकस करता रहेगा, इसमें आपको नहीं मिलेगा ये फिक्स फोकस वाला, ये तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आप जो है इसको इस तरीके से, जैसे ये बंद आता है ना, आप इसको ऐसे खोल लो और ऐसे करके अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसे टिका दो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका ये जो है ये फेस सही ना कर रहा हो, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। इन सारे डायरेक्शंस को आप इसे ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, जैसा भी आपको फिट करना है वैसा कर लो आप। आइए अब इस कैमरे की जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो भी चेक कर ले रहे हैं। मैंने क्या किया है, ये जो वेबकैम है ये मैंने कैमरे के ऊपर ही लगा दिया है, तो मैं कैमरे में देख रहा हूँ ना, तो वो वेबकैम भी मुझे देख रहा है, तो मैं इससे कैमरे से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो वेबकैम भी रिकॉर्ड हो जाएगा। और कुछ नहीं करना होता है इसमें, सब प्लग एंड प्ले ड्राइवर्स हैं ज़्यादातर, चाहे लाइव गेमर वो मिनी हो गया या फिर ये वेबकैम हो गया, ये सब प्लग एंड प्ले है। आपको बस USB घुसेड़नी है और चालू हो जाएगी, और कुछ मत करो आप। अपने यहाँ पे जाके ये जो सर्च बार होता है विंडोज़ के में, उसमें जाके आप टाइप कर दो कैमरा, तो आपका ये वाला ऐप खुल जाता है जो विंडोज़ का बिल्ट इन है, उसी में आपका आ जाएगा, डायरेक्ट चलने लगेगा। और उसको देखे ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग ठीक है, जो वेबकैम के हिसाब से क्वालिटी हो सकती है ना वो ठीक है। दूसरा, अगर आप रिकॉर्ड भी करना चाहते हो ना, आप यहीं से रिकॉर्ड भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये पूरा स्ट्रीमिंग का सेटअप कैसे बनता है वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ, जिसमें माइक भी होगा, आपका जो गेम रिकॉर्ड हो रहा है वो भी होगा, साथ में आपका ये जो वेबकैम है वो भी, आप साइड में जो लगाते हो वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन ओवरऑल एक वेबकैम के हिसाब से ठीक है क्वालिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका माइक कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए आप दूसरा ही माइक यूज़ करो। आइए अभी अब माइक असेंबल कर लेते हैं, बड़ा आसान है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। आइए गाइस देखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं। मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं कंप्यूटर पे। भेड़िए अपने कानून के पक्के थे, वे मोगली के रक्षक भी थे, लेकिन जंगल सिर्फ मिलनसार जानवरों का ही घर नहीं था। वहां खूंखार शेर खान और चाटुकर लकड़बग्गों का खतरा और शिकार ढूंढने का दबाव हमेशा बना रहता था। ऐसे हालात में यही कड़े नियम मोगली और उसके साथी जानवरों को बचने में मदद करते थे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने रिकॉर्डिंग करी है ना वो मैं थोड़ा एडिट करके डालूंगा, एक विदाउट एडिट डालूंगा, तो आपको माइक का जो है आइडिया हो जाएगा रिकॉर्डिंग क्वालिटी का। वैसे इसका मैं रिव्यू कर चुका हूं, आप वो देखो, बढ़िया माइक है। गाइस हार्डवेयर तो है ही है, साथ में आपको एवर मीडिया की तरफ से रैक सेंट्रल सॉफ्टवेयर मिलता है, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है।
अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हो, वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ एवर मीडिया के जितने भी हार्डवेयर हैं, माइक वाइक और ये लाइव गेमर मिनी और ये वेबकैम सबको सपोर्ट करते हैं, थर्ड पार्टी जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है OBS कोई भी यूज़ करते हो आप, लेकिन इनका रेक सेंट्रल सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा है। इससे आप चाहो जैसे कई फीचर्स हैं, जैसे कि आप चाहो तो एक ही साथ दो जगह स्ट्रीम कर सकते हो, आप फेसबुक और यूट्यूब और ट्विच पे एक साथ स्ट्रीम कर सकते हो अगर आपके पास सारा हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ है, साथ में रिकॉर्डिंग की जितनी भी चीज़ें हैं ये काफ़ी बार निकल चुका है। रेक सेंटर 4 चल रहा है, मेरे ख्याल से कई वर्जन निकल चुके हैं इसके और काफ़ी सफल सॉफ्टवेयर है एवर मीडिया की तरफ से आने वाला। रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग सब संभाल सकता है ये और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। जैसे कई आपको सॉफ्टवेयर मिलते होंगे उसमें आपको बड़ा समझना पड़ता, बड़ा देखना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है, काफ़ी ईजी है। ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हो ना, माइक कैमरा और कैप्चर कार्ड, ये उन लोगों के लिए होते हैं जो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते और सीधे चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग ये सब चालू हो, उसमें ही मदद कर सकता है। दूसरा ये उन लोगों के लिए भी है जो लो हार्डवेयर पे हैं या फिर उनके हार्डवेयर में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है। जैसे कॉन्सोल है, चाहे गेम कितने भी अच्छा खिलवाता हो लेकिन उसमें वो सारे फीचर्स नहीं है जो एक पीसी में आ सकते हैं स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ HDMI आउट चाहिए और आपका ये कैप्चर कार्ड बाकी काम संभाल लेगा। साथ में आपके पास पुराना लैपटॉप है उसकी सारी चीज़ें आपके काम नहीं आ सकती, अगर उसमें वेबकैम है तो भी पुराना होगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता, साथ में उसमें CPU है तो वो कमज़ोर होगा, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें, वीडियो एनकोडिंग जो है आपके CPU पे जोड़ना पड़ेगा अगर पुराना CPU है, वो कैप्चर कार्ड संभाल लेगा, वेबकैम अगर पुराना है तो वो ये संभाल लेगा, माइक तो आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आपको यूट्यूब पे आना है तो कायदे का माइक आपको लेना ही पड़ेगा, और आपको अगर डेली आपको गेमिंग या स्ट्रीमिंग के लिए कुछ वीडियोस डालने तो एक कंडेंसर माइक लेना पड़ेगा, ये एक अच्छा कंडेंसर माइक है। साथ में मैं आपको इस माइक की अलग से तारीफ की बात बताऊं, मैं लिटरली बता रहा हूं, मुझे बाद में पता चला ये कितना अच्छी क्वालिटी का माइक है, मैं आपको ऐसे बताता हूं, इसके अंदर जो डेक लगा हुआ है, वैसे आप सबको मतलब नहीं है इस चीज से, वो भी सुपर्ब क्वालिटी का है। मैंने कई मशीन्स के साथ जो है हेडफोन्स ट्राई किए लेकिन जब मैंने इसके अंदर से हेडफोन निकाला, आपको बता दूं मैं इसमें से आप हेडफोन आउटपुट भी ले सकते हो, इस माइक का डेक इतना अच्छा है कि उन्हीं हेडफोन्स ने गजब की बेस और साउंड क्वालिटी निकालनी शुरू कर दी। मैंने कई देखा है, कई PCs में, कई मदरबोर्ड्स में, कई लैपटॉप्स में इतने अच्छे अच्छे डेक नहीं आ रहे थे, यानी कि हेडफोन भी अगर आप बहुत क्वालिटी वाला लेते हो और आपके पास डेक अच्छा नहीं है, आपका लैपटॉप पुराना है वगैरह वगैरह, तो वो आपको अच्छी आवाज़ निकाल के नहीं देगा। और मैं आपको बताऊँ, नए लैपटॉप्स में, नए मदरबोर्ड्स में, महंगे मदरबोर्ड्स में भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं निकली जितनी इसके डेक ने निकाली थी। मैं बहुत ताज्जुब में था, मैंने 3-4 मशीनों पे हेडफोन लगा लगा के देखे, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बूस्ट कर देती है आवाज़ को और बेस बढ़ जाती है, इसलिए मुझे पता चला कि इसमें सही में बहुत अच्छी हार्डवेयर क्वालिटी लगी हुई है। साथ में आपको एक और बात बताऊं, अगर आपको ये म्यूट करना हो ना, माइक यहीं से बंद हो जाता है। दूसरा, ये हार्डवेयर बटन जो है इसका सही में बड़ा प्यारा सा है, वैसे मुझे डर लग रहा है कि ये निकल ना आए, और निकल भी आता, देखो आप, मैंने निकाल भी लिया लेकिन ओवरऑल मजबूत है, ये मैंने लगा भी दिया, आप इसे दबा दोगे म्यूट हो जाएगा और बाकी अपना अच्छा काम करता, कौन ऐसे खेंच खेंच के बटन निकालता है, वैसे सही है ये। एवर मीडिया की तरफ से आने वाले लाइव स्ट्रीमर 311 के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका प्राइस वगैरह क्या है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में और डिटेल चाहिए वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया में, तो आपको अपनी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।